हेलो माय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ZR टेक्निकल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप अपनी किसी भी वीडियो को स्लो मोशन में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वीडियो को स्लो मोशन में कन्वर्ट करके दिखाने वाले हैं और हम करेंगे स्लो मोशन काइन मास्टर की हेल्प से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल ZR टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए चलते हैं हम अपने काइन मास्टर में। काइन मास्टर ओपन, मैंने यहाँ पर अपने काइन मास्टर को ओपन मैं कर लेता हूँ। काइन मास्टर ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा काइन मास्टर ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक प्रोजेक्ट को 16:9 वाले को चूज़ कर लिया जाता है। करने के बाद हम यहाँ पर एक बेस ले लेते हैं जिस पर हम वर्क करेंगे। तो मैं ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा, ऐसे ही कुछ सेकेंड या एक मिनट की वीडियो को करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए, अब मैं यहाँ पर एक वीडियो को इसमें ऐड कर लेता हूँ। तो चलिए, मैं यहाँ पर एक क्रिकेट की ट्रेंड बोल्ड की बॉलिंग की वीडियो है उसको ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाने वाला हूँ कि वीडियो किस तरह से है, फिर मैं उसको आपको स्लो मोशन में कन्वर्ट करके दिखाऊँगा। तो चलिए पहले वीडियो को प्ले कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वीडियो फास्ट है, अच्छी खासी स्पीड में। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को थोड़ा सा यहीं से बस 10 सेकेंड की वीडियो को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर 10 सेकंड हो जाती है, बाकी की वीडियो को मैं यहाँ पर कट कर देता हूँ ताकि आप इजीली समझ पाएँ। तो अब आप जैसे कि इस वीडियो को स्लो मोशन में करना चाहते हैं, स्टार्टिंग से अगर आप करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर वीडियो वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। अवेलेबल हो जाने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्पीड का। आपको स्पीड का एक ऑप्शन मिल जाता है, आपको स्पीड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नॉर्मल पोजीशन में ये दिख जाता है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आप 4x पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, यानी आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं 1x पे ही रखूँगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे कम वाले ऑप्शन पे कर लेना है। तो मैं यहाँ पर 0.125 पे करके देखता हूँ कितनी ज़्यादा स्लो हो जाती है ये। तो थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, क्योंकि जब हम वीडियो को स्लो करते हैं तो वीडियो का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि वीडियो देर से चलती है तो वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा कितनी स्लो हो गई है यहाँ पर। तो चलिए प्ले कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से ये इतनी स्लो मोशन में हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इससे थोड़ा और फास्ट करना तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है और फिर से आपको स्क्रॉल डाउन करना है, स्पीड वाले ऑप्शंस पे जाना है, थोड़ा सा आपको 0.5 वाले पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा स्लो मोशन थोड़ा फास्ट है, लेकिन स्लो मोशन है। तो मैं मानता हूँ ये जो स्लो मोशन का ये रेशो है ये परफेक्ट होता है, इसमें आपको आपको बोर भी नहीं होते और आपको ईजिली जो आप देखना चाहते हैं वो भी दिख जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपको इतना समझ में आ गया। ये तो मैंने आपको बताया कि अगर आप पूरी वीडियो को करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अब मैं शुरू इसको फाइनली पूरी वीडियो को नॉर्मल कर देता हूँ और अब मैं आपको बताने वाला हूँ दूसरा तरीका। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो बॉलर है, ये जो रनअप ले रहा है, जब तक भाग रहा है जब तक तो फास्ट भागे, लेकिन जब ये बॉल यहाँ पर रिलीज़ कर रहा है यानी बॉल फेंक रहा है, वहाँ से आप वीडियो को स्लो मोशन करना चाहते हैं, यानी आप थोड़ी सी वीडियो को जैसे बहुत से लोग बनाते हैं, थोड़ी सी वीडियो सही नॉर्मल सही स्पीड में चाहते हैं, लेकिन थोड़ी सी कहीं कहीं से वो वीडियो को स्लो मोशन में चाहते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको जहाँ भी आपको वीडियो प्ले करनी है, जहाँ से आपको फास्ट रखनी है वहाँ से रखें और जहाँ से आपको स्लो मोशन करना है वहाँ आप रोक दें। जैसे मैं यहाँ से वीडियो को अब इस पोजीशन से इस पॉइंट से मैं वीडियो को स्लो मोशन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे करना क्या होगा, यहाँ पर इस वीडियो के नीचे जो वीडियो वाला ग्राफ है इस पर क्लिक कर लेना है सिंपली। फिर आपको एक यहाँ पर कैची का सीजर का ऑप्शन मिल जाता है, आपको वहाँ क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ 3 ऑप्शन मिलते हैं, ट्रिम टू लेफ्ट और ट्रिम टू राइट। तो यहाँ पर आपको थर्ड वाला ऑप्शन चूज़ करना है, स्प्लिट एट प्ले हेड। आप यहाँ पर जब चूज़ करेंगे तो ये यहाँ से वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पर एक तो ये पार्ट यहाँ पर छोटा सा हो चुका है और एक पार्ट यहाँ पर ये हो चुका है। तो यहाँ पर आपको करना है, तो अब आप इसको बड़े वाले पार्ट को जो सेकेंड पार्ट है उसको स्लो मोशन में करना चाहते हैं ना, तो आपको उस पर क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ पर सिंपली स्पीड वाले ऑप्शन को क्लिक करना है और फिर से उसे 0.5 कर लेना है, या आप जितना भी स्लो रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे, यहाँ तक तो ये वीडियो फास्ट है लेकिन ये यहाँ से स्लो मोशन में
हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी वीडियो को जहाँ से चाहें फास्ट कर सकते हैं। लेकिन अब आप चाहते हैं, जैसे सपोज़ करिएगा कि आप बॉल फेंकने के बाद, जब बॉलर बॉल फेंक चुका है तो अब ये यहाँ से फास्ट हो जाए, तो ये यहाँ से फिर से आपको क्या करना है, इसे चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद फिर से आपको सीधर वाले ऑप्शन पे जाना है और फिर से आपको स्प्लिट एट प्ले हेड पे क्लिक कर देना है। ये फिर से उस पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर देगी। आपको अब करना क्या है, पहले फास्ट, फिर स्लो मोशन और फिर यहाँ से फास्ट। तो आपको थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, थर्ड वाली लेयर पर, और वहाँ पर फिर से आपको स्पीड वाले ऑप्शन पे जाना है और उसे वहाँ से नॉर्मल कर देना है, यानी 1:1 कर देना है। अब आप देखेंगे ये यहाँ से थोड़ा स्लो मोशन में है, फिर यहाँ से स्लो मोशन हो जाता है, सॉरी, फिर से फास्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप वीडियो क्रिएट कर सकते हैं इजीली। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया आप इस तरह से कितनी भी बड़ी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप किस तरह से वीडियो को स्लो मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, पूरी को भी, फुल वीडियो को भी, और बीच बीच में से डिवाइड करने के बाद भी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। क्या कर रहे हो यार। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह से एक नई वीडियो के साथ।